ये है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है। विक्टोरिया मेमोरियल क्वीन विक्टोरिया के शाही जीवन का झरोखा है, इसीलिए इसे ताज ऑफ द राज भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश राज की याद दिलाने वाले इस भव्य भवन की स्थापना की रूपरेखा तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने तैयार की थी, जिसके बाद 1906 में इसकी आधारशिला वेल्स के राजकुमार जॉर्ज पंचम ने रखी थी। जिस समय ये स्मारक बनाया गया, उस समय क्वीन विक्टोरिया न सिर्फ यूनाइटेड किंगडम की बल्कि भारत की भी महारानी थी। नींव रखने के लगभग 15 साल बाद यानी 1921 में ये स्मारक बनकर तैयार हुआ और इसी साल औपचारिक रूप से जनता के लिए भी इसे खोल दिया गया। विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण का कुल खर्च 1,05,00,000 रुपए था। खास बात यह है कि ये खर्च ब्रिटिश सरकार द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि ये फंड भारतीयों द्वारा जुटाया गया था, जिसके लिए पूरे देश से चंदा इकट्ठा किया गया था। क्वीन के शाही जीवन को समर्पित इस भव्य स्मारक को शाही अंदाज में ही बनाया गया है। इस स्मारक की वास्तुकला में पाश्चात्य और मुगल वास्तुकला का बेहतरीन समावेश देखने को मिलता है। इस वास्तुकला को इंडो सरासेनिक रिवाइवल आर्किटेक्चर के नाम से जाना जाता है। इस स्मारक के आर्किटेक्चर के लिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के अध्यक्ष सर विलियम एमर्सन को चुना गया। ये स्मारक भी ताजमहल की ही तरह सफेद संगमरमर मकराना से बना है। गुंबद पर बनी ये काले रंग की कांस्य प्रतिमा विजय का प्रतीक है। बड़े से बॉल बेयरिंग पर स्थापित ये प्रतिमा हवा के साथ इधर उधर घूमती है। यहाँ बनी अन्य आकृतियां मातृत्व, बुद्धिमत्ता, कला, ज्ञान, न्याय, परोपकार और वास्तुकला आदि को दर्शाते हैं। ये स्मारक 57 एकड़ की भूमि पर बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना से पहले यहाँ प्रेसिडेंसी जेल हुआ करती थी? स्मारक को बनाने के लिए इस जेल को ध्वस्त किया गया और बाद में जेल का निर्माण अलीपुर में किया गया। विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय वास्तुकला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जहाँ महारानी विक्टोरिया के काल विशेष संग्रहालय के साथ ही भारत के समय स्मारक चिन्हों का बड़ा संग्रह मिलता है। इस संग्रहालय में 9 गैलरियां और 28,394 कलाकृतियां हैं। इन 9 गैलरियों में द रॉयल गैलरी, एंट्रेंस हॉल, पोर्ट्रेट गैलरी, द क्वींस हॉल, द प्रिंस हॉल, नेशनल लीडर्स गैलरी, इंडियन स्कूल्स ऑफ आर्ट, कलकत्ता गैलरी और दरबार हॉल शामिल हैं। म्यूजियम में पुराने जमाने के सिक्कों, स्टैम्प्स और नक्शों के साथ ही टीपू सुल्तान की तलवार, प्लासी के युद्ध में प्रयोग किए गए तोप और गोले, 1870 से भी पहले की दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी एवं पश्चिमी तस्वीरों जैसी कीमती वस्तुएं भी शामिल हैं, जो दर्शकों के लिए इसे एक यादगार स्मारक बनाती हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थॉमस और विलियम डेनियल द्वारा बनाई गई तस्वीरों का विश्व का सबसे बड़ा संग्रह यहीं रखा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ बना ये बगीचा लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगर इतिहास में आपकी दिलचस्पी है और साथ ही आप कला और वास्तुकला के भी शौकीन हैं, तो विक्टोरिया मेमोरियल आपके घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है, जो न सिर्फ आपकी भारतीय इतिहास की जानकारी में इजाफा करेगी, बल्कि शाही ठाट बाट को भी आप करीब से देख पाएंगे।